दोस्तों, रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ऊंट का ही आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट ही नहीं और भी कई सारे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। ये खतरा और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब बात जहरीले जीवों की जाए। जहरीले जीवों में सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर और यहाँ तक कि आंट जैसे जीव भी शामिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाले 5 सबसे जहरीले जीव के बारे में। नंबर 1, फायर आंट। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ में अगर सोशल क्रिएचर की बात की जाए तो शायद ही कोई जीव आंट का मुकाबला कर पाए, क्योंकि सोशल क्रिएचर में आंट की फैमिली सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और अगर बात फायर आंट की जाए तो इनकी कॉलोनी में लगभग 2 लाख के करीब चींटियां पाई जा सकती हैं। फायर आंट माउंट के अलावा अंडरग्राउंड टनल में भी रहना पसंद करती हैं। ये अपना घर कुछ ऐसी जगह पर बनाती हैं जहां कोई इन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, यानी कि इन्हें किसी का भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। लेकिन ये दूसरे के इलाकों में घुसकर उसके इलाके में तबाही मचाना बखूबी जानती हैं। ये फायर आंट लगभग 25 फीट लंबा टनल बनाकर दुश्मन के ठिकाने तक पहुँच सकती हैं। इनकी ये टेक्निक डेजर्ट एरिया में बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होती है, जिसकी वजह से ये अपने लिए भोजन कलेक्ट करने से लेकर शिकार तक पहुँचने में काफी आसान प्राप्त कर लेती हैं। ये चींटियां बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर की होती हैं और साथ ही इनका डंक भी बेहद ही ज्यादा जहरीला होता है, जिसके काटने से सूजन और एरिया लाल हो सकता है। तो याद रहे, अगर आप डेजर्ट में जा रहे हैं तो इस फायर आंट से बच कर ही रहें। नेक्स्ट इज किलर बीज। दोस्तों, इन किलर बीज को अफ्रीकनाइज्ड बीज भी कहा जाता है, जिन्हें वेस्टर्न हनी बी की हाइब्रिड भी माना जाता है। इनके नाम की वजह से अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये किलर बीज ये आमतौर पर साउथ वेस्टर्न अमेरिकन डिजर्ट में ही पाई जाती हैं। ये हनी बीज एक और बात के लिए बेहद फेमस है और इसी वजह से इन्हें किलर बीज भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार कोई बीज किलर बीज कैसे हो सकती है, तो आपको बता दें कि इन किलर बीज का स्टिंग भी बेहद ही ज्यादा वेनमस होता है, जिसकी वजह से अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ गया या फिर अगर किसी ने इन्हें छेड़ने की गलती कर दी तो फिर ये उसका पीछा काफी दूर तक कर सकती हैं। और ये तब तक आराम से नहीं बैठती जब तक कि ये उसे डंक ना मार दे। और साथ ही झुंड में हमला करने वाली ये मधुमक्खियां कई बार तो अपने शिकारी की जान ही ले लेती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार इन्हें किलर बीज क्यों कहा जाता है। दोस्तों, स्पाइडर के बारे में तो हर कोई ही जानता है। ऐसा शायद ही दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो स्पाइडर के बारे में ना जानता हो। लेकिन जिस बारे में लोग नहीं जानते वो है इस स्पाइडर का रेगिस्तान में पाया जाने वाला जहरीला नेचर। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस जहरीली स्पाइडर के बारे में। जहरीली स्पाइडर की प्रजाति में से एक इन स्पाइडर को डेजर्ट रेक्ल्यूस स्पाइडर कहा जाता है। इन्हें ब्राउन रेक्ल्यूस स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट के डेजर्ट में ये सबसे खतरनाक जीवों में से एक मानी जाती है, जो कई बार रेजिडेंशियल एरिया तक भी पहुंच जाती है। इन स्पाइडर से सतर्क रहना बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना इनकी जहरीली खासियत की वजह से इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इनके वेनम से ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ कई बार इनके जहर से मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस छोटे से क्रिएचर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट इज गिला मॉन्स्टर। दोस्तों, सिर्फ स्पाइडर्स और आंट्स ही नहीं बल्कि लिजर्ड्स की भी कई खतरनाक प्रजातियां डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। बताया जाता है कि दुनिया में काफी कम छिपकलियां ही जहरीली होती हैं, लेकिन गिला उन्हीं जहरीली छिपकलियों में से एक है। अपनी पूंछ में फैट स्टोर करने वाली ये छिपकली महीनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकती है। वैसे तो ये क्रिएचर ज्यादातर समय अंडरग्राउंड ही रहती है, लेकिन बीच बीच में ये धूप सेकने के लिए बाहर आती है। यही वजह है कि इनके वेनमस बाइट से इंसानों पर होने वाले हमले का रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर है, लेकिन दूसरे जानवरों को जरूर ही अपने जहर से शिकार बना लेती है। वैसे तो ये दिखती ही इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोग इसे देखकर ही डर जाते हैं और इसके पास जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट इज सॉ स्केल्ड वाइपर। दोस्तों, सॉ स्केल्ड वाइपर वेनमस स्पीशीज का एक ऐसा स्नेक है जो वाइपर की 4 स्पीशीज में से सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से इसके खतरनाक होने को कम नहीं माना जा सकता। सॉ स्केल्ड वाइपर की वजह से हर साल लगभग कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि इस जहरीले सांप का एंटी वेनम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जहर द्वारा मरने वाले लोगों की रेट में कमी आई है। वैसे आपको बता दें कि ये सॉ स्केल्ड वाइपर रात के समय शिकार पर निकलते हैं, तो अगर आप रात के समय किसी डेजर्ट के आसपास हैं तो ध्यान रखें कि कहीं आपके पास सॉ स्केल्ड वाइपर ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थे रेगिस्तान में पाए जाने वाले 5 सबसे जहरीले जीव। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।